जो रकम फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मांगी है। जनाब स्पीकर, ये तो बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि बलूचिस्तान के हालात जो हैं काफ़ी अरसे से मखदूश रहे हैं, और यहाँ पे हमारी लेवीज़ ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी पुलिस ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे बलूचिस्तान के काफ़ी जो हैं शहरी भी इस लॉ एंड ऑर्डर की वजह से इस जो है मुतासर हुए हैं, काफ़ी शहादतें हुई हैं। हमने इस दफ़ा कोशिश की है कि हम जो हैं चीज़ों को मज़ीद बेहतर करें, उनको स्ट्रीमलाइन करें, ना सिर्फ ये जो इसमें हम मांग रहे हैं, बल्कि हमने बलूचिस्तान में टेररिस्ट विक्टिम एक फ़ंड भी कायम किया है। खुदा न खास्ता कोई टेररिज्म का वाकया हो जाता था जिसमें एक जो कंपनसेशन गवर्नमेंट उनको देती है उसकी फाइल वर्क में कोई 5-5, 6-6 महीने लगते थे, और उसके जो मासूम बच्चे जो यतीम जो है उस काफ़ी परेशान होते थे, तो उसका मसला भी हमने हल कर दिया है। दूसरी बात जनाब स्पीकर, देखिए उनकी शहादतों को और उनकी कुर्बानियों को देख कर हमने इस दफ़ा फैसला किया है कि हम उनकी जो है प्रमोशन करें, उनकी जो स्केल अपग्रेड करें, जिसमें कोई 32,000 के करीब हमारे पुलिस के लोग जो हैं उनको मुस्तफीद होंगे, उनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, उनका ग्रेड बढ़ेगा, 10,000 के करीब तकरीबन हमारे लेवीज एहलकार जो हैं वो मुस्तफीद होंगे, और बदकिस्मती से बाकी सूबों ने ये कई अरसे पहले कर चुके हैं, उनके जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनसे मुस्तफीद हो रहे हैं। बलूचिस्तान वो सूबा था जो इस साल इस गवर्नमेंट ने किया है। मेरी अब आखिर में देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट की कोशिशें हैं, एफर्ट्स हैं, जो कुर्बानियाँ हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। कल लोरलाई का वाकया हुआ था, एक पुलिस ने जाम शहादत नोश किया था, तो इनकी कुर्बानियों को अगर हम इस तरह जो है यहाँ पे उचालेंगे और उनको कहेंगे कि जी हम जो हैं ये पैसे कुएं में फेंक रहे हैं, भाई खुदारा उनकी तनख्वाहें जा रही हैं, उनके मराद जा रहे हैं, और वो जो हैं हम हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, बलूचिस्तान के अमन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हमारे आम अवाम के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो जनाब स्पीकर, मेरी आपसे गुजारिश है कि गवर्नमेंट की तरफ से वजाहत आ गई है, अब इसको आप वोटिंग के लिए भेज दें।